है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। पहले तो आज हम गए यूजीसी की तरफ। यूजीसी वालों को हमने कहा कि भाई आप हमें कितनी सीट देंगे, यूजीसी से आप लोगों ने कितनी सीट्स की अप्रूवल की बात की है। वो कह रहे थे कि हमने 265 और 68 सीट की सीट्स भी है, अगर वो अप्रूवल दे दे तो उसकी भी अच्छी बात है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप हमें किस बात पर 265 सीट दे रहे हैं, या किस चीज़ की बुनियाद पर आप हमें 330 सीट्स की बात कर रहे हैं, उसकी कोई वो आप हमें दिखा दें, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म दिखा दें ताकि हम इसको एक्सेप्ट कर लें। फिर उन्होंने कहा कि भाई ये इस तरह हुआ है, वो हुआ है, उनको पता नहीं था। तो फिर मैंने उनसे बात की कि भाई आप क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप इन चीज़ को PMDC से कंफर्म करवा लें। तो PMDC वालों के पास हम चले गए। PMDC वालों ने कहा कि भाई हम आप लोगों से बिल्कुल मिलना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको नोटिस मिल चुका है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का। तो अब ये लोग इंतहाई डर गए हैं कि भाई ये तो हम पकड़े जाएंगे, क्योंकि इन्होंने तो बहुत सारे सीट से प्रूव करवाए थे और अब पता नहीं कि ये सीट्स कहाँ लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो आप पर उम्मीद रहे, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, क्योंकि 2017 में भी इस तरह हुआ था कि वो पहले तो 29 सीट्स भी नहीं दे रहे थे, फिर जो सब जब सुप्रीम कोर्ट तक बात चली गई तो वो 229 सीट दे गए, 265। तो आप लोग जो है ना पर उम्मीद रहें और हमें सपोर्ट करते रहें, इंशाल्लाह सब कुछ क्लियर हो। बात ये जो इतने डरते हैं ना अपने किरदार पर और अपनी जो उसकी कारकर्दगी है इस पर इतना क्यों डरते हैं, और ये हमारा सामना भी नहीं करते और नहीं मैं हमसे मिल सकते हैं। इसकी एक मेन वजह ये है कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंट्स फॉर्म में हैं, ठीक है। जितने भी सीट्स उन लोगों ने अप्रूव करवाए हैं, इन्हांस करवाए हैं प्रोवेंसी से और मेडिकल कॉलेज में जितने भी सीट्स इन्हांस हुए हैं, इनकी सारों की जो है ना हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं और हमारे पास सबूत है। मैंने PMDC में बहुत सारे जो इसके वो थे मेंबर्स थे, बहुत सारों को ये बात क्लियर करवाई कि ये आप लोग पहले तो अपनी मर्ज़ी से खुशी से हमें दे दें और हमारे लिए मसाइल खड़े ना करें, क्योंकि हम पहले ही बहुत ड्रामेटिकल सिचुएशन से गुजरे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स डिप्रेशन का शिकार हैं और आप जो है ना अभी मज़ीद लगे हुए हैं और ना हमें टाइम देते हैं और ना जो है ना चीज़ उनकी क्लियर करवाते हैं। बाद में फिर ऐसा ना हो कि बहुत सारे किरदार जो है ना सामने आए और आप लोगों को फिर मसले हो। तो हम ये हरगिज़ नहीं चाहते, लेकिन आप लोग जो है ना खुशी से जो नोटिफिकेशन आप लोगों ने किए हैं इस पर पूरा उतरे और हमें मजबूर न करवाए कि ये लड़के यहाँ पर आ जाएं और आप लोगों के सामने धरना दें, क्योंकि हम ना तो पेट से बात कर रहे हैं और ना अपने आप से बातें बना रहे हैं। हमारे पास सबूत है भाई, इसको हम जाए जहाँ पे भी लेकर जाए, हमारे पास सबूत है, इसको हम आपको साबित करवा सकते हैं, ठीक है। हिजबुल्ला भी मेरे मेरे साथ है, हम सारे इकट्ठे जाते हैं। कल मोहसिन दावड़ साहब के पास भी जाएंगे और उनसे भी कहेंगे कि आप लोगों ने इतनी मेहनत की है हमारे लिए ये सीट से इन्हांस करवाएं, और आप लोगों का भी ये अभी जो है ना वो बनता है, फ़र्ज़ बनता है, ज़िम्मेदारी बनती है कि ये फाइनल अप्रूवल भी इसकी हमें दे दें। तो इंशाल्लाह आप लोग दुआएं देते रहें, अगर इन्होंने इस तरह नहीं माना ना, और हमें पता भी है कि ये इस तरह नहीं मानने वाले, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का तो आप लोगों को वैसे भी पता है, ठीक है, कि फिर क्या हो सकता है। तो आप लोग सिर्फ इंशाल्लाह सपोर्ट करते रहें, बाकी इनसे निकलवाना फिर इतनी बड़ी बात नहीं। मैं आप लोगों को ये क्लियर करता चलूँ कि ये हमें ये सीट्स ये जो दे दो इदारे हैं ना जो अपनी मनमानी का डोल रचा रहे हैं, ये हमें खैरात में सीट नहीं दे रहे, ठीक है। आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि ये हमें खैरात में सीट नहीं मिल रहे, ये हमें फेडरल गवर्नमेंट्स और प्रोविंसेस ने हमें दिए है, ठीक है, और ये हमारा हक है, क्योंकि पूरे फाटा में एक मेडिकल कॉलेज भी नहीं है, ठीक है। और ये सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे लिए इतने मसाइल खड़े करते हैं कि हम खुद भी हैरान रह जाते हैं कि यार हम करें तो क्या करें, ठीक है। पहले तो इन लोगों का ये मसला था कि स्टूडेंट्स को जाते खुद एक दूसरे के पीछे बातें करते हैं और स्टूडेंट्स को खुद एक दूसरे की वो पर एग्री नहीं है, स्टूडेंट्स के दरमियान खुद इख्तलाफात हैं। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह सारे चीज़ों को दूर रखा, सारे अपने मफादात को साइड पर रखा, ठीक है। हिजबुल्लाह को मैंने कहा कि जो भी हमारे मसले
उन सब को हम जो है ना एक साइड पर रखते हैं। पहले सारे पार्ट ऑफ बलूचिस्तान की जो ज़रूरत है उसको देखते हैं, बाद में अपने मसाइल वो चाहे जैसे भी हो उसकी तरफ तैर देते हैं। लेकिन पहले तो जो कंबाइन हमारा मसला है वो तो हल होना चाहिए। तो हिजबुल्ला माशाल्लाह मेरे साथ इस बात पर एग्री था और वो एग्री भी हैं, और वो कह रहा है कि आपको जो भी वो चाहिए मैं आपके साथ इस बात पर बिल्कुल 100% एग्री हूँ।